मैं घुटन महसूस कर रहा था राष्ट्रीय जनता दल में जाकर के। वीरेंद्र बाबू विजय चौधरी जी मुझे मना कर रहे थे उस समय कि मैं जब गया था मुझे महसूस होता था कि इनके स्थिति को और मजबूत करूंगा और समाज को जो सबसे पीछे व्यक्ति उसको विकास करने का काम करूंगा। लोग कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस सत्ता के लिए गए हैं, अरे मैंने तो राष्ट्रीय जनता दल में आया था जनता दल के मंत्री पद छोड़ करके आया था, विधायक पद छोड़ करके आया था, ऑक्सीजन जनता दल ही से ले जा करके राष्ट्रीय जनता दल को में शामिल होने का काम किया था, लेकिन उस ऑक्सीजन का उन्होंने नाजायज फायदा उठाने का काम किया। बहुत लोग नौटंकी करेंगे, नौटंकी आज भी चल रही है। आज जो समाजवाद की बात होती है, समाजवाद परिवारवाद में चला गया, समाजवाद भ्रष्टाचार में चला गया। जिस दल में मैं था, मैं सबसे पहले मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब हमने यह निर्णय लिया और निर्णय जब लिया, क्योंकि हमारे नेता रहे हैं मान्यवर चंद्रशेखर जी जो आज नहीं है, उन्होंने कहा था कि स्वाभिमान और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करना। उन्होंने यह भी कहा था कोई निर्णय लेना हो, कोई फैसला करना हो तो समाज के जो सबसे पीछे पैदान पर बैठा हुआ आदमी है उसकी आंखों में आंखें मिलाकर करके ये तय करना कि तुम्हारे फैसला से उनको लाभ होगा कि नहीं होगा। और जब मैं निर्णय लेने की स्थिति में आया तो मैंने देखा और मुझे महसूस हुआ और फुलवारी की जनता और तमाम हमारे साथी ने कहा, और उस व्यक्ति की आंखों में जब देख रहा था तो महसूस हो रहा था कि नीतीश कुमार जी ने जिन योजनाओं के माध्यम से बिहार की तस्वीर को बदलने का काम किया है, क्योंकि आज जो समाजवाद की बात होती है, समाजवाद परिवारवाद में चला गया, समाजवाद भ्रष्टाचार में चला गया। जिस दल में मैं था, मैं गया था, मैं इस बात को कबूल करता हूं, मेरा गुनाह रहा है कि मैं जब गया था मुझे महसूस होता था कि इनके स्थिति को और मजबूत करूंगा और समाज को जो सबसे पीछे व्यक्ति उसको विकास करने का काम करूंगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया उस पर बाधा देने का काम और रोड़ा देने का काम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा होने का काम किया। मेरी आदत नहीं है किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का, लेकिन मैं घुटन महसूस कर रहा था, अपमानित महसूस कर रहा था, मैं इन बातों को आपके बीच बताने का काम नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहने का काम करूंगा जहां परिवारवाद भ्रष्टाचारवाद कई तरह की बात जब विकास की बात नीतीश कुमार ने की थी, हम याद है मुझे हमें मौका मिला, मेरा सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जी के साथ मेरा काम करने का सौभाग्य मिला। और जब सौभाग्य मिला काम करने का तो जिस बात को चंद्रशेखर जी कहा करते थे उसको साकार करने का काम नीतीश जी का नेतृत्व में और जनता दल यू की सरकार ने हमने उसमें थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने का काम किया। मैं घुटन महसूस कर रहा था राष्ट्रीय जनता दल में जाकर के। वीरेंद्र बाबू विजय चौधरी जी मुझे मना कर रहे थे उस समय, लेकिन कुछ परिस्थितियां थी, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण मैं भवावेश में वो निर्णय ले लिया और भवावेश का कारण रहा कि मैं चार साल तक घुटन महसूस करता रहा। मैं पूरा कोशिश करता रहा कि स्थितियां बने, स्थितियां बदले, लेकिन वहां तो राजनीति सिर्फ वक्तव्य के लिए होता है, काम के लिए नहीं। हमने कहते थे कि जो दलित समुदाय है, जो महादलित समुदाय है, आज बड़ी बहुत चल रही है, हम उस पर आज नहीं कहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में हमने कहने का काम किया, एहसास कराने का काम कीजिए कि महादलित और जो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक जिसकी वकालत आप करते हैं उसका एहसास हो कि आप उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन करना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने निकटतम के लिए, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए और कहना सिर्फ उनकी बातों के लिए। लोग कहते हैं, लोग कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस सत्ता के लिए गए हैं, अरे मैंने तो राष्ट्रीय जनता दल में आया था जनता दल के मंत्री पद छोड़ करके आया था, विधायक पद छोड़ करके आया था, ऑक्सीजन जनता दल ही से ले जाकर के राष्ट्रीय जनता दल को
में शामिल होने का काम किया था, लेकिन उस ऑक्सीजन का उन्होंने नाजायज फायदा उठाने का काम किया और उसका दुरुपयोग करने का काम किया। लेकिन जब मुझे लगा कि अब यह दुरुपयोग की सीमाएं लांग चुकी है, मैंने आग्रह किया अपने साथियों से और मैं आज नतमस्तक हूं अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति कि जिन्होंने जनता दल में परिवार में मुझे शामिल करने के लिए उन्हें स्वीकार करने का काम किया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी लड़ाई है देश में। काम करने वाले लोग, गरीबों की बात करने वाले लोग, लोहिया, कर्पूरी, ठाकुर, जेपी अम्बेडकर के सपनों के साकार करने वाले लोग, के नाम लेने वाले लोग सिर्फ ढोंग करने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार काम करने में विश्वास करते हैं। आज लड़ाई हमारे साथी हो, जब आप आए हैं इस दल में और जनता दल के साथी मिलकर करके नीतीश कुमार जी के जो लड़ाई है, जो विकास की जो सोच है, उसको पड़ाव पर हम तड़पने नहीं देंगे। मंदिर तक पहुंचा कर करके ऐसे कुरूतियों को और ऐसे जो लोग जो अपनी देख लाना चाहते हैं ऐसे लोगों को दरकिनार कर करके और सही दिशा में नीतीश कुमार जी के सपनों का साकार, जो सपना अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना लोहिया ने देखा था, जो सपना गांधी ने देखा था, सपना को साकार करने के लिए नीतीश कुमार जी के रास्ते पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता पंचायत और टोले तक जाकर करके हम लड़ाई को विजयी करने का काम करेंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूं, हजारों हजारों रास्ते पर चलना है, हजारों किलोमीटर पर चलना है और नीतीश जी के साथ चलना है, चल कर करके उस विजन को आगे बढ़ाने का काम करना है। मैं पुनः अपने नेताओं के समक्ष, नीतीश जी के समक्ष मैं कहना चाहता हूं, आप समाज के समक्ष, मैं आया हूं जनता दल में काम करने के लिए और काम जितना भी मिलेगा हम और हमारे साथी 24 घंटा के 24 घंटा हम खटने का काम करेंगे और जनता दल की साथ को जो आगे बढ़ रहा है उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत लोग नौटंकी करेंगे, नौटंकी आज भी चल रही है, हम उत्तर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि समाजवादी का तो बात था कि सड़क पर संघर्ष करेंगे, ये लोग वातानुकूलित कचरे कमरे में बैठ करके संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। इसलिए साथियों, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन इतना है कि हमारा लड़ाई इस राज की गरीब गुरवा की लड़ाई है और उसको मंजिल तक पहुंचाने का हर गोर कसर उठाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय जदयू। छब्बीस वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।